हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ब्लिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। इसका यूज हम कब करते हैं? जब हम फ्यूचर की बात कर रहे हो तब हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। जब भविष्य में कुछ होने वाला हो तब करते हैं। अगर हमको हिंदी में इसका पहचान करना हो तो क्या होता है, अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में गा, गे, गी ऐसे वर्ड आते हैं तो अब हम फ्यूचर टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर विल या सेल होता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट होता है। आई वी के साथ सेल का यूज होता है, ही सी इट यू दे सभी के साथ विल का यूज होता है। जैसे कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, आई वी के साथ सेल है, आई सेल गो टू दिल्ली टुमारो। वह जल्द ही एक कार खरीदेगा, ही विल बाय ए कार सून। यदि किसी वाक्य में भविष्य की दो सिचुएशन का यूज हुआ हो तब एक भाग में टाइम या कंडीशन शब्द का प्रयोग किया गया तो ऐसी सिचुएशन में उस भाग में विल सेल का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पर प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर सेंटेंस में इफ, व्हेन, टिल, अनटिल, अनलेस, एज सून एज लॉन्ग एज, इनकेस, प्रोवाइडेड, दैट, बिफोर, आफ्टर ऐसे वर्ड दिए गए हैं तो उसके साथ विल का यूज नहीं होता है। जो उससे नेक्स्ट वाला सेंटेंस होता है उसमें विल का यूज होता है। जैसे कि जैसे ही तुम घर आओगी मैं तुम्हें बताऊंगा, एज सून एज यू कम होम आई विल टेल यू एवरीथिंग। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि एज सून एज यू विल कम, ये क्या है, एज सून एज यू विल कम आई विल टॉक टू यू, ये रॉन्ग है। इसका क्या होगा, प्रेजेंट इनडेफिनेट में होगा क्योंकि ये एज सून एज से शुरू है। एज सून एज यू कम आई विल टॉक टू यू। हम आई वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात होगी तब सेल का ही यूज करा जाएगा। इससे रिलेटेड एरर पूछा नहीं जाता है, मोस्टली विल का भी यूज कर सकते हैं हम, कुछ मॉडल्स में भी करा जाता है। जैसे कि विल आई गो बोलेंगे तो वो रॉन्ग होगा, इसको सेल आई गो ही बोला जाएगा, और आई विल गो बोलते हैं तो वो राइट होता है। जब भी लेट्स या लेटस से शुरू होने वाले इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उसके क्वेश्चन टैग में हमेशा सेल का यूज होता है, ना कि विल का। लेट्स डांस टुगेदर में शैल वी क्वेश्चन टैग बनता है। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा विल या सेल, और फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, राम तुमसे नहीं मिलेगा, राम और फिर विल नॉट मीट यू, लोग घूमने नहीं जाएंगे, पीपल विल नॉट गो फॉर ए वॉक। इंटरोगेटिव में क्या होगा, पहले डब्ल्यू एच फैमिली आएगी, फिर विल या सेल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले आती है और फिर सब्जेक्ट आता है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डब्ल्यू एच फैमिली है तो पहले डब्ल्यू एच फैमिली का यूज होता है। राम तुमसे कब मिलेगा, व्हेन विल राम मीट यू। लोग कहाँ जाएंगे, डब्ल्यू एच फैमिली है तो वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब विल, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वेयर विल पीपल गो। नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, डब्ल्यू एच फैमिली है तो डब्ल्यू एच फैमिली विल और फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। राम तुमसे क्यों नहीं मिलेगा, विल वाई विल राम नॉट मीट यू, क्या लोग घूमने नहीं जाएंगे, विल पीपल नॉट गो फॉर ए वॉक।